मैं और मेरे ये यतीम बच्चे इस घर से तुम्हें दुआ देकर ही जाएंगे। सलामत रहो नौमी और शानजे, पर कभी जमाने की धूप ना लगे, क्योंकि अपनी औलाद को तपती धूप के नीचे देखकर माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। मामा आप प्लीज रोए मत। मैं ठीक हूँ अमल, ख्याल से जाना और घर जल्दी वापस आ जाना। अमल तुम कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं चली जाऊंगी मामा। मामा परेशान मत होइएगा, मैं आती हूँ। ख्याल से जाना, अल्लाह हाफिज़। जाने दो उसे सदाकत, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। जी आई थी। कासिम कह रहे हैं कि रुखसती के फौरन बाद मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं जाएंगे, 3-4 दिन के बाद आएंगे, इसलिए तब तक वो यहीं रहेंगे तुम्हारे घर पर। बस इतनी सी बात थी? ठीक है अमल और राफे को तुम बाद में ले जाना, कोई मसला नहीं है, भाई हूँ तुम्हारा, पर ये रिश्ते की नज़ाकतों को ना बहुत अच्छी तरह समझता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया? अरे तुम्हारे भाई का घर है ये, सर ऊंचा करके यहाँ आती जाती रहना। वैसे भी कासिम भाई पर तो अच्छा ही इंप्रेशन पड़ेगा, है ना? खैर लगा कपड़ा। डर गई तुम? मैं नहीं डरती किसी से, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये चाहता भी नहीं कि तुम डरो। खैर आंटी और राफे कैसे? ठीक है, मैं बस मेडिकल स्टोर तक जा रही थी। क्या हुआ आंटी? थोड़ी तबीयत खराब थी उनकी। तुम सुनाओ आंटी और फायजा आप भी कैसी हैं? अच्छे, तुम्हारा पूछते रहते। खैर अब मिली हो तो आओ कॉफी पीते हैं। सिर्फ कॉफी क्यों, आज हम लंच भी साथ करेंगे, लेकिन पहले जरा मुझे मेडिकल स्टोर रुकना है। ठीक है, मम्मा को भी मैसेज कर दूं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना वो खामखा परेशान हो जाएंगी। Congratulations. अनाहिल वापस आ गई। मैंने स्टेटस में पिक्स देखी थी तुम दोनों की, काफी स्मार्ट लग रहे थे। अच्छा अनाहिल की तुमसे बात नहीं हुई? वैसे वो पूछ रही थी तुम्हारा, शायद आजकल में कॉल करे। अनाहिल, शाजिम, बेला, ये लोग तो मुझे भूल ही गए। इससे पलट के पूछा भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। हम लोग कितने अच्छे दोस्त होते थे ना। बेला और शासिम ने तो मुझे अपनी शादी में भी इनवाइट नहीं किया। अमल, उन दोनों को जल्दी है बाहर सेटल होने की, तो शायद शादी जल्दी में हुई है।
तुम कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे, लेकिन प्लीज हाँ तुम और मिनाहिल मेरे साथ ऐसा मत करना। मिनाहिल की शादी हो रही, ये लड़कियां इतनी जल्दी शादी क्यों कर लेती? मिनाहिल ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? समथिंग रियली स्पेशल? समथिंग स्पेशल? मेरी इस टॉपिक पे बात नहीं है। एक काम करते हैं, इस वीकेंड पे डिनर करते हैं, बैठते हैं और देन उससे पूछ लेंगे क्या स्पेशल है। ओके डन। डन। ऐसे ही मुस्कुराती रहो, अच्छी लगती हो। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं लास्ट टाइम कब हंसी थी। याद है तुम लोग मुझे कितना तंग किया करते थे ना कि मैं हर वक्त हंसती रहती। अब देखो जिंदगी कितनी सीरियस हो गई है, हालात ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी हंसी खुशी मुस्कुराहट सब खो दिया मैंने। तो ऐसी बातें मत किया कर, देखना बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट है और मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना ऑर्डर किया। मैं आज भी याद है कि मुझे खाने में क्या पसंद है। मुझे तुम्हारे बारे में सब याद है। कर दीजिएगा, बहुत मजबूर हो गई।